एनसीईआरटी से वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ई पाठशाला ऐप है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी किया था, और फिर वहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। जितने भी प्रीमियर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मटेरियल होते हैं वो मैक्सिमम आपको बहुत हद तक मतलब 75% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन किसी न किसी माध्यम से अवेलेबल हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको वेबसाइट पे ही, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी से, जैसे आपने चूज़ किया एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, आप उसको जरूर मिलान करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से, जब आप पढ़ रहे हैं तो वो बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। यूपीएससी के लिए मैं बताना चाहूँगी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आप वहाँ से बना सकते, तो फिर आपको कहीं और ज़्यादा जो है वो खोज भी नहीं करना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि उनका पहला तो बोझ बिगड़ नहीं होता है कि वो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा कि वो काफ़ी ज़्यादा किताबें जो है एक सब्जेक्ट के लिए चूज कर देते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए मोस्टली एक या एक से दो किताबें ही होती हैं। आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए एक किताब है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटीज हैं, लेकिन अलग अलग हिस्ट्री के लिए फिर आपके पास सिंगल किताबें ही बचेंगी। कि मॉडर्न के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मीडियबल और एनसीएंट के लिए एक एनसीईआरटी है, लेवन ट्वेल्थ के एनसीईआरटी है, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक किताबें पढ़ सकते हैं, बिहार स्पेसिफिक कुछ जानना है तो उसके लिए फिर आप कुछ किताबें आपको उसी मार्केट में वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप चीज़ों को लिमिट करें, आप बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत फ़ायदा नहीं होता, आप स्पेसिफिक पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें। किसी ने बताया कितनी बार जो है वो रिविजन करना चाहिए, तो एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं दो या तीन बार जो है वॉडर एंड हिस्ट्री की किताब है करके उसको मैं पढ़ा था, और इसके बाद मैंने उसको सॉल्व जो क्वेश्चन आते थे उसमें काफ़ी गलत किया। फिर अपने दोस्त से पूछा कितनी बार पढ़ा, तो उसने बताया वो 7 से 8 बार पढ़ा है, उसके बाद भी उसके गलत। तो बताने का उद्देश्य ये है कि आप जितनी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं आप उतनी बार एक ही सोच को बार बार। आप जब भी अपने गोल का टारगेट करते हैं स्टार्टिंग में ये नहीं फोकस करना है कि मुझे ये 3 साल 4 साल में कंप्लीट करना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि मैं इसी बार अटेम्प्ट और मुझे 1 साल में तैयारी करना है, फिर उसको अच्छे से लेना है। ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए कि नहीं इस बार अच्छे से तैयारी नहीं हो रही है तो अगले बार क्लियर हो। मैक्सिमम जो आपके एग्जामिनेशन उसमें काफ़ी अटेम्प्ट रहते हैं, अगर आपका 1 साल का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्जामिनेशन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसमें क्लियर हो सकते हैं। तो लंबा गोल कभी भी नहीं रखना है कि मुझे 2 साल 3 साल तैयारी करके फिर मैं एग्जाम देता हूँ, कॉलेज से निकलते हैं 1 साल आप लीजिए फिर आप अच्छे से अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर गलतियाँ लोग करते हैं कि आप जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा ये रखते हैं, फ्लेक्सीबल रखते हैं, कुछ लोगों के लिए वर्क करता है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा एक से छुट्टी होना चाहिए कि आप ऑन एन एवरेज जो है 7 से 8 घंटा डेली जो है आप पढ़ पा रहे हैं, एक टाइम पे सुनिए एक टाइम पे उठिए, पढ़ने का जो स्टडी आज है उसको आप फिक्स कर लीजिए, एक्सरसाइज इवनिंग में एक्सरसाइज करना है उसका ड्यूरेशन को आप फिक्स कर लीजिए, अगर वॉक पर जा रहे हैं उसका या योगा कर रहे हैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, तो उसके लिए आप उस टाइम को फिक्स कर लीजिए, पढ़ने का टाइम को फिक्स कर लीजिए। अगर अकेले में पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप लोग को लाइब्रेरी या स्टडी रूम का जो है वो एक बार यूज करके देखना चाहिए कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें आपके स्टडी आवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अकेले पढ़ने में बहुत बार दिक्कत होती है कि आपको थोड़ा एंग्जाइटी आता है, आपको पता नहीं चलता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसमें आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, 3 से 5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे खुद के 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो उस ग्रुप में रह के फिर आप तैयारी कर सकते हैं। सीरियस लोग होना चाहिए और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है कि जो सामने वाला बंदा जो आपके ग्रुप में है जो भी लोग हैं वो हार्ड वर्किंग, बस एक क्राइटेरिया होता है क्योंकि इतने सारे लोग बैठते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक रेगुलर की तरह काम करता है, चाहे आप किस भी कॉलेज कोई भी कॉलेज से पढ़े हों तैयारी तो सबको करना है। तो ग्रुप ऐसा बनाए जिसमें सारे लोग हार्ड वर्किंग हो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि आपने कोई चीज़ समझा तो आप दूसरे में दूसरों को ग्रुप में बताएं और उन्होंने कुछ पढ़ा तो फिर जो है आपको बताएं।
बहुत बार ये गलतियाँ लोग करते हैं कि विद इन ग्रुप भी कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, कि मानिए 180 सीट्स हैं आईएएस के लिए, तो चार पांच लोगों का भी ग्रुप बचा, ऐसा नहीं कि किसी एक का ही होना है, चारों का हो सकता है। तो ये बहुत चलता है, ये बहुत कॉमन है। मैं बाद में मुझे पता चला काफ़ी लोगों से बात करके विद इन ग्रुप कॉम्पिटिशन करने लगे कि ये किताब करना है अपने बल वाले को, जो आपस में आप एक क्लोज ग्रुप बनाते हैं उसमें कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, वहाँ से पॉजिटिव कॉम्पिटिशन। अच्छा तुमने ये टेस्ट किया, तुमको इतने मार्क्स आए तो मैं भी दूंगा, मैं इससे ज़्यादा जो है मैं लाते ही लगा के देता हूँ। तो एक और चीज़ें हैं, जैसे सिलेबस बोला, प्रीवियस क्वेश्चन बोला, तीसरा जो गलतियाँ लोग करते हैं कि कोई टेस्ट नहीं देते, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट के माध्यम से जो है वो जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो चेक करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स के लिए 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी, वो आपको देना है। मेंस में जैसे 250 मार्क्स का पूछा जाता है वो सब्जेक्ट देना है। तो जितनी बार आप अपने रूम पे बैठ के अपने लाइब्रेरी में बैठ के जितनी बार आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, जब आप रियल एग्जामिनेशन में जो है वो जाकर के आप एग्जामिनेशन देते हैं। फिर एक और गलतियाँ जो लोग करते हैं, ब्रेक दे देते हैं प्रेशर, चाहे जो भी रीजन से हो। मेरा ये मानना है कि जब आप तैयारी करते हैं तो और सब चीज़ों को थोड़ा सेकेंडरी आप कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से है, किसी ने कुछ फाइनेंस क्या फाइनेंस बैकग्राउंड से है कोई स्टूडेंट बीकॉम एमबीए? तो यहाँ ये भी आपका जो कंसिस्टेंसी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं तो वो एकदम तो मैजिक की तरह काम करता है। और ये मेरे साथ हुआ था कि मानिए एक हफ्ते मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर अगले एक हफ्ते मैं ये सोच के नहीं वेस्ट करूँगा कि लास्ट एक हफ्ते मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं ये टारगेट रखता था कि मैं अगले 15 दिन में अच्छे से पढ़ूंगा। और जिस अगर मैं कितना भी अगर पढ़ाई पुराना नहीं कर पाया, लेकिन अगले 15 दिन अगर मैं 10 घंटे करके पढ़ देता था तो मैं देखता था कि वो उसका इफेक्ट काफ़ी जो है वो उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी अगर मानिए आपके प्रेजेंटेशन में ये स्टेज आता है तो कंटिन्यूस मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी का जो है वो कोई दूसरा जो है उसका विकल्प नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे बैट्समैन जो आईआईटी से हैं या अच्छे अच्छे कॉलेज से, उनका भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने का जो मेन रीज़न होता है वो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अलग अलग टॉपिक्स को कैसे पढ़ें। आप ध्यान रखिए कि जैसे आप एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज को गेन करना है, बट एट द सेम टाइम ये ध्यान होना चाहिए कि उस नॉलेज से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो अगर मैं हमेशा इटरेटिव मेथड पे बिलीव करता था कि मैं एक बार में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता था कि मैं 100% नॉलेज गेन करूँ, मैं करता था कि एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर धीरे से क्वेश्चन देखूंगा, फिर एनालाइज करूंगा, फिर वापस से पढ़ूंगा और उसको और डेप्थ में जाऊंगा, तीसरी बार पढ़ूंगा और डेप्थ में जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टॉपिक में मैं एक हफ्ते बिता, मैं फर्स्ट विजिट जो है वो स्पीड में करने की कोशिश करता हूँ, और डेप्थ में जा सकता हूँ। तो इटरेशन में जो है चीज़ें वो करता था, चाहे वो आपके जीएस हो या ऑप्शनल हो, ऑप्शनल जो प्रोडक्ट मेरा ये मानना है कि जब आप प्रिपरेशन में आ जाते हैं तो जिस भी टाइप का पेपर आता है फाइनली उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे अगर वो जैसे 100 क्वेश्चन हैं और ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन, देखिए 1, 2, 3, 4 करके हैं ऑप्शन वाले, तो वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। या आपके लिखने वाले सब्जेक्ट्स हैं तो उतना ही आप लिखने का भी प्रैक्टिस करें। मैं 2 महीने प्रिपरेशन करने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीने प्रिपरेशन करने के बाद डेली 1 से 2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया। और जो आप पहला दिन आंसर देते हैं, आप क्या देखिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस वो सबसे खराब आंसर होगा जो आपने लाइफ में आपको देखिए।
इसके बाद से जो भी अध्ययन आप लिखेंगे वो उससे बेहतर हो। तो बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करें। चाहे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जो पहला ऐसे लिखेंगे वो आपका सबसे खराब ऐसे होगा, लेकिन वहाँ से फिर आपके जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियाँ करते हैं। फिर आप प्रॉपर के मॉक पेपर जो है वो जरूर आप देखें। मेरा भी पेपर आपको जो है अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे। जितने भी टॉपर्स रहते हैं वो अपने पेपर्स को अलग अलग माध्यम से वो शेयर करके रखते हैं, तो उसको आप डाउनलोड करके जो आप आंसर लिख रहे हैं उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करें, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन है जिसमें ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले दो चीज़ों को ध्यान रखें कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, और दूसरा कि आपका उस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करें, देखिए कि उस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप कैसे देखेंगे, तो उसका सिलेबस को देखिए, उससे रिलेटेड जो किताबें हैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, प्रॉपर्स के आंसर्स को देखिए, और ऑप्शनल को हड़बड़ी में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने लगभग 40 से 45 दिनों का टाइम दिया था और पढ़ के उससे रिलेटेड पढ़ाई करके फिर सेलेक्ट किया कि नहीं ये ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकता। तीन चार ऑप्शन को मैंने पहले शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें से मैंने मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी को मैंने सेलेक्ट किया था। सो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लस एडजस्टमेंट है उसमें आप अच्छे मार्क्स आ रहा है, वो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें, ये चीज़ ये डिफरेंस आप देखेंगे कि जब मॉक पेपर जो रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल या कुछ रैंडम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन में थोड़ा या बीपीएससी के क्वेश्चन में थोड़ा ट्रेंड आपको मिलेगा और काफ़ी एनालिटिकल होता है। तो एनालाइज करने के लिए आप जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है और जो ऑप्शन होते हैं उसको आप गूगल करें, उसके बारे में पढ़ें। और बहुत बार ऐसा होता है जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था 2020 या 2021 में आया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन प्लांट्स करते हैं। अगर आप सिंपली गूगल करिएगा कि कौन कौन विच और प्लांट जो है दे आर कैपेबल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको 10 ऐसे आपको प्लांट्स के बारे में पता चलेगा और एग्जैक्टली उसी ऑप्शन से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। ये नहीं होगा कि जब वो भी जो भी एग्जामिनर सेट कर रहा है वो भी तो कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई सोर्स का जो ऑनलाइन सोर्स है उसका हेल्प ले रहे हैं, तो वो भी गूगल करते हैं। तो उस गूगल जब आप करते हैं उसको अच्छे से उसका यूटिलाइज करते हैं इंटरनेट का, तो आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड रिपीट हो रहे हैं और उसका इंफॉर्मेशन जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसका आप नोट्स बना सकते हैं। किसी ने पूछा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स यूज करें या किताबें यूज करें, आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। आप किताब यूज कर रहे हैं फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपका गोल होना चाहिए कि जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का वो कंप्लीट हो, किताबें कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी किताबें होंगी जिसमें आपको 4 या 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, या ऐसे किताबें होंगी जहाँ पे 1-2 चैप्टर मुझे लगा कि कम है तो फिर गूगल करके इंटरनेट के माध्यम से उसमें फिर मैं अपने नोट्स जो है वो बनाया। मेरा पढ़ने का जो तरीका था सबका अलग अलग होता है। मैं जनरली 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ में लेकर पढ़ता था, सारे सब्जेक्ट्स को नहीं लेता था और ना ही सिंगल सब्जेक्ट को लेता था, मोस्टली 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता था। पढ़ते समय रिवाइज करते समय भी ऐसा होता था कि दिन के इनिशियल 5 आवर्स एक सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट 4 आवर्स 5 आवर्स है दूसरे सब्जेक्ट। तो सिलेबस सब्जेक्ट्स का आप कम्बिनेशन रख सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट को 2-3 दिन तक पढ़ते हैं, तो आप दोनों मेथड को ट्राई करके देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो आपको फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो मेंटल फटीक है वो नहीं आना चाहिए, आपको स्ट्रेस जगह रहना चाहिए और आप जो
आप दे सकते हैं या वो बहुत
पर ऐसा भी होता है कि मेरे ऐसे भी दोस्त हैं वो पांचवें अटेम्प्ट या छठे अटेम्प्ट पे भी जैसे भी जो है वो क्वालीफाई करते हैं। काफी सारे ऐसे भी अटेम्प्ट्स हुए जिसमें एक या दो मार्क्स या 10 मार्क्स से 15 मार्क्स से उनका रह गया। तो ये जो चीजें हैं वो आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको ये एग्जामिनेशन देना है कि नहीं देना है, कितने पेपर से देना है, और तब आपको प्रिपरेशन जो है वो खत्म। मिनिमम जो है आपको 3 times या 4 times रिवीजन करना चाहिए। अगर कोई भी बुक्स आप पढ़ते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 बार उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप मिनिमम 3 बार रिवाइज करना चाहिए। और जब आप पढ़ाई करते हैं उसी टाइम सोचिए कि आप रिवाइज कैसे करें। तो मैं डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स रखता था, तो एक हाइलाइटर यूज करता था अपने फर्स्ट रिविजन के लिए यूज करने के लिए, फिर दूसरे कलर का हाइलाइटर यूज करता था जो मैं एकदम लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जब मैं दोबारा पढ़ रहा होता था तो दूसरे कलर का हाइलाइटर यूज करता था ताकि मैं दोबारा जब पढ़ूँ तो उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस। तो डिफरेंट हाइलाइटर्स यूज कर सकते हैं। और चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो आपको कम टाइम में अच्छा परफॉर्म करना है, इसके लिए आपको छोटे छोटे नोट्स बनाना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जो है आपको नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि आप एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले सारी किताबों को नहीं पढ़ पाते। तो अगर आपका 10 पेज का 15 पेज का अगर हर सब्जेक्ट वाइज आपका नोट्स है या जहाँ पे आपको जरूरत लगता है तारीख आपके नोट्स हैं तो आप लास्ट के 2 दिनों में सारा सब्जेक्ट जो आप लास्ट के 2 साल में पढ़ें वो आप रिवाइज कर लें। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं लास्ट के 4 दिनों में प्रीलिम्स से पहले जितना भी चीज़ें मैं पढ़ा हूँ चाहे वो स्टैटिक का मटेरियल हो चाहे वो टेस्ट पेपर्स हो चाहे वो करेंट का मटेरियल हो सारा मैं 4 दिनों में लास्ट के 4 दिनों में रिवाइज करता था। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता था मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में क्योंकि जब आप कंप्लीट रिविजन करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। एक तो रिविजन आपका नॉलेज रिवाइज हो ही रहा है प्लस आपका एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने सारा चीज़ पढ़ लिया है कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको जवाब दे पाऊँगा। इसके वजह से क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में स्ट्रेस अगर आप में नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो मिनिमम 10 से 15 मार्क्स पर सब्जेक्ट जो है आप गेन कर सकते हैं। तो रिविजन का जो साइकिल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया कि आप जैसे प्रीलिम्स से पहले क्या रिविजन साइकिल होना चाहिए, मेन से पहले कैसे होना चाहिए। रिविजन के लिए जरूरी है कि पढ़ने से नहीं आप ध्यान रखिए कि बाद में रिविजन रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट जो है वो आप बनाते हैं। फिर प्रोफेसर साहब ने बोला कि मटेरियल कैसे उपलब्ध होगा। आप कंपैरिजन करिए जो दिल्ली में जो रेसिडेंशियल कम कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि खरीद करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पे मेरा मानना है कि आप अगर अच्छा इंटरनेट की व्यवस्था कर देते हैं और काफ़ी सारे कोचिंग्स के मटेरियल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने वेबसाइट्स पे वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल कर लोगों को दे सकते हैं। इवन टेस्ट सीरीज जो है वो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको होम डिलीवरी कर देंगे। और काफ़ी सारे कोचिंग हैं जो हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो मटेरियल प्रोवाइड जो है वो नॉमिनल कॉस्ट पे जो है वो करते हैं। सारे कोचिंग जो भी रजिस्टर्ड है उनको CSR एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो उसके एक्टिविटीज़ के तहत भी वो जो है आप उनके साथ टाइप कर सकते हैं और वो जो जितने भी जिस भी तरह का जो इन्वायरमेंट या मटेरियल या टेस्ट जो दिल्ली में जाकर लोगों को मिल रहा है वो आप यहाँ पे उसको जो है अवेलेबल करा सकते हैं। अभी के टाइम में मानना है मेरा, जैसे मैं 2019 में भी दिल्ली में ही था तो उस समय तो अलग अलग कोचिंग में या बाहर जाना है तो वो मैं जाता था। फिर 2020 में जब कोविड का टाइम था तो मैं एक रूम में ही था और मैं बाहर तो उस समय जा नहीं पा रहा था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप कहीं से भी अगर आपका इंटरनेट काम कर रहा है और आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर बात कर सकते हैं कि आप किससे सा टाइप करते हैं आप फ्यूचर में कर सकते हैं और एक नॉमिनल कॉस्ट पे आप जैसे अगर आपने 1 के लिए या 2 के लिए ही आपने कोचिंग से टाइप किया उसका जब आपको टेस्ट पेपर्स आ जाते हैं तो आपके पास तो खुद अच्छे टीचर्स हैं
वो यहाँ पे उस कॉपीज को चेक कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज के अल्टीमेटली जितने भी बड़े एग्जामिनेशन हैं उसके जो चेकर होते हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही होते हैं। तो आप जो मॉडल आंसर्स हैं और जो आपके खुद के जो एक्सपीरियंस है उसके तहत आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी मार्क्स दे सकते हैं। ये जामिया हमदर्द में ऐसा हुआ था, उनका एक रेसिडेंशियल कोचिंग ये चलता है और जामिया इस्लामिया में भी चलता है, तो उसमें ये लोग जो इसी टाइप का वो पैटर्न लिया हुआ। और कोई डाउट सर?